हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो वेकेशन अपने? यस, बहुत लंबे हो गए हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आज आपका ऑनलाइन सेशन है और हम लोग आपस से मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे एडिशन। आपको पता है एडिशन क्या है? ओके, मैं बताती हूँ। एडिशन का मतलब है प्लस। एडिशन का मतलब है प्लस। प्लस कैसे होता है? स्लीपिंग नाइन और स्टैंडिंग नाइन जब जोड़ते हैं वो बन जाता है प्लस। कैसे? एस। यस, एस। एडिशन कैसे बन गया? एस। नाउ एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब है प्लस। प्लस का मतलब है काउंट। काउंट का मतलब है जोड़ना। नाउ सी स्टूडेंट, मैंने ये है और ये है दोनों जोड़ दिए तब जाके बना प्लस। यस, मैंने ये वाला हाथ और ये वाला हाथ जोड़ दिया तब जाके बन गया प्लस। सो एडिशन का मतलब है प्लस। प्लस का मतलब है जोड़ना, काउंटिंग टुगेदर। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, नाउ कैन यू ऑल सी हाउ मेनी पेंसिल्स डू आई हैव? आई हैव 4 पेंसिल्स। 1 2 3 4। हाउ मेनी पेंसिल्स डू आई हैव? 4 पेंसिल। अब मैं क्या करूँगी, मेरे लेफ्ट हैंड में 4 पेंसिल्स पकड़ूंगी। यस, अब मैंने क्या किया और 2 पेंसिल्स ले लिए राइट हैंड में और 2 पेंसिल्स ले लिए। अब हम इन पेंसिल्स को जोड़ देंगे। तो जब हम इन पेंसिल्स को जोड़ेंगे तो ये कितनी पेंसिल्स हो गई स्टूडेंट्स? कौन काउंट करेगा? यस, चलिए काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। यस, पहले मेरे पास थी 4, फिर मेरे पास आ गई 2 और, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया तो टोटल बन गई 6। ऐसे ही होता है एडिशन। जब हम नंबर्स को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एडिशन। करें, पढ़ें आप। ओके, तो चलिए बच्चों अब आपकी बुक में से थोड़ा पढ़ते हैं। यस, तो आपके बुक में अब हम एडिशन पढ़ेंगे। पेज नंबर निकालिए 46। यस यस, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया एडिशन का साइन क्या है? प्लस। ये है एडिशन का साइन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में ऐड बाय काउंटिंग, यहाँ पे थोड़े लीव्स है, यहाँ पे है 4 लीव्स, यहाँ पे है 2 लीव्स। यहाँ लीव्स बताया मैंने, पेंसिल्स बताया, दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 6। अब हम ये वाला करेंगे। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है आपको एप्पल्स। यू हैव एप्पल्स ना? यस, आई आल्सो लाइक। हाउ मेनी एप्पल्स आर हियर? 5। एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर हियर? 3। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 दोनों को मिलके काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बन गए? 8। नाउ नेक्स्ट वाले में कितने हैं देखो, बर्ड्स है। यस, हाउ मेनी बर्ड्स डू वी हैव? यस, यहाँ पे है हमारे पास 9 स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हमारे पास 8 बर्ड्स, यहाँ पे है 1 बर्ड, तो हमको टोटल देखना है। यहाँ पे कितने पहले काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ है 8 और यहाँ है 1, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हम लिखेंगे 9। टोटल हो गए 9 बर्ड्स। सेम भी यहाँ फिशेस है, अब आप लोग कर लोगे ना फिशेस? यस, अब हम करेंगे पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे क्या करना है हमको? लिखना है। यस, देखिए एक आपके पास नंबर लाइन है, एक नंबर ए, एक नंबर लाइन है आपके पास जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ है 7, यहाँ है 8, यहाँ है 9,
9 और यहाँ है 10, ऐसे है ना नंबर्स, यस। और नीचे कोई बॉक्सेस है, 5 प्लस डैश इज इक्वल टू बॉक्स। नाउ अभी देखो क्या नंबर है फर्स्ट, 5, 5 प्लस क्या करेंगे तो हमको आंसर ये लास्ट तक आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सर्कल्स डालो, 1, 2, 3, 4, 5, कितने सर्कल्स आ गए, 5, सो यहाँ पे लिखेंगे 5। सर्कल कहाँ खत्म हुआ हमारा, 10, सो यहाँ लिखेंगे हम 10, यस यहाँ लिखेंगे हम 10। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या है देखिए, नेक्स्ट वाले में सेम नंबर लाइन है और नंबर्स है 7, 8, 9, 10, 11 और 12, बस 12 तक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स प्लस बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स। नाउ सबसे पहले बॉक्स में हमको क्या लिखना है, फर्स्ट वाला नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर हियर, यस 7, तो हम लिख लेंगे 7, यस। अब यहाँ कौन से नंबर्स लिखना है, सर्कल्स काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। और सर्कल्स कौन से नंबर पे खत्म हुए, 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, दैट मीन्स 7 + 5 = 12, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला आप होमवर्क में करेंगे, ओके। चलिए बच्चों अब आइए पेज नंबर 48 पे, 3.3 एक्सरसाइज 3.3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी नंबर लाइन है, ये तो बहुत इजी है, मैं सिर्फ एग्जांपल वाला आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, यस। नंबर लाइन है कहाँ तक, 18 तक, तो मैं 18 तक तो नहीं ड्रॉ करूँगी स्टूडेंट, 15 तक करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, डैश 5 + 6 = 11, कैसे करेंगे, यस कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 5 सर्कल्स देंगे, 5 + 6 बोल रहा है तो पहले 5 सर्कल्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हो गए 5 सर्कल्स। अब और 6 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस। तो लास्ट हमारा सर्कल कहाँ रुक गया, 11 पे, तो हमारा आंसर क्या है, 11, तो इसका मतलब है 5 + 6 = 11, 5 + 6 = 11। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 + 8 है, तो आपको पहले 4 सर्कल्स बनाना है, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से काउंट करके 8 बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 तक बनाने हैं, फिर यहाँ से पूरे 8 तक वापस बनाने हैं, और देखना है कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क पे कीजिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.4। नाउ एक्सरसाइज 3.4 जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नहीं अभी हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट, बहुत चैप्टर है, हम लोग अभी कर लेंगे, बहुत इजी है, मैं आपको दो सम्स बताती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा आगे। चलिए एक्सरसाइज 3.4, फोर प्लस 3, स्टूडेंट्स आपको इसको स्टिक्स डाल के काउंट करना है, 4 + 3 है, आपको इसको स्टिक्स डालना है, पहले 4 है तो ऊपर क्या करना है, 4 स्टिक्स, 1, 2, 3, 4 स्टिक्स, नीचे क्या है नंबर 3, तो डालेंगे 3 स्टिक्स। अब दोनों मिलके काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो राइट डाउन हियर 7, आया समझ में। नेक्स्ट 6 and 2, तो ऊपर में पहले हम डालेंगे 6 स्टिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे है 2, तो डालेंगे 2। अब हम दोनों मिलके काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर इज 8, ओके। तो आप इसके बाकी के सम्स आप लोग होमवर्क में करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स
एक्सरसाइज 3.45 जो है उसमें सब नंबर्स जीरो से ऐड किए हुए हैं। जब भी आप लोग नंबर जीरो से, सपोज एक नंबर है टू, जब भी आप जीरो से ऐड करते हो आंसर क्या आता है, सेम नंबर जो भी नंबर हो। अगर सपोज यहाँ पे है 20, इसको मैं जीरो से ऐड करूँगी तो आंसर 20 आए, सेम नंबर आए। अगर 10 से ऐड करूँगी तो 10 आए, 23 से ऐड करूँगी तो 23 आए। सो स्टूडेंट्स ये बिट भी आप लोग ट्राई कीजिए करने का, अदरवाइज आई विल सेंड यू द नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर हियर। ओके बाय बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर।